हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेन फार्मेसी। तो हमारा यूनिट वन का डिस्कशन चल रहा था। इस वीडियो में हम गाइस अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो भी बता दूंगा आपको। इस वीडियो के अंदर हम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन दोनों को कवर करने वाले हैं। ठीक, ये देखिए अमीनो ग्लाइकोसाइड्स और जो है ना मैकेनिज्म उसका, केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है। देन इसके बाद जो है ना हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन के बारे में भी, हम बात करेंगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोट्स डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स गाइस, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट और डिफाइन अमीनो ग्लाइकोसाइड विथ एग्जाम्पल। 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। 10 मार्क्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स विथ SAR एंड सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और राइट द यूजेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो ग्लाइकोसाइड, ऐसे भी करके 5-6 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ये आपको दिख रहा है ना, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ये दो वर्डिंग से बने हुए हैं। वन इज अमीनो, ये एक वाला है, ग्लाइकोसाइड्स ये एक है। मतलब अमाइन और ग्लूकोज से बना हुआ स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स मतलब शुगर। देयर आर अ ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैविंग पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप्स लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली टू और मोर अमीनो शुगर रेसिड्यूज। ये होता क्या है, ये अमीनो एंड ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक, अमीनो एंड अमीनो शुगर से, ठीक है, अमीनो ग्रुप एंड अमीनो शुगर, बता दूंगा मैं स्ट्रक्चर आपको। ये देखिए, ये जी हमारा है ये वाला, ये अमीनो शुगर पोर्शन, ठीक है, और ये अमीनो साइक्लिटॉल रिंग। ठीक, ये दो है हमारा शुगर पोर्शन, अमीनो शुगर्स और ये अमीनो साइक्लिटॉल रिंग। ये दोनों क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं गाइस। यहां देखिए आप, इसी को हम क्या कहते हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड कहते हैं। दीज एजेंट्स हैव ब्रॉड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रा, दे हैव ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, दोनों को ये मारने की क्षमता रखते हैं। ठीक, वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो दोनों को क्या करेंगे, किल कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। मेन आप बैक्टीरिया का एक मैकेनिज्म आपको पता रहना चाहिए, वो मेन क्या करेंगे, प्रोटीन पर वो एक्शन दिखाएंगे। मतलब DNA जो है ना उस पर एक्ट करेंगे या सेल वॉल के ऊपर ऐड करेंगे। अंदर जाना उन्हें है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उन्हें बाहर के लेयर को उन्हें डेमोलिश करना पड़ेगा, सेल वॉल को वो फर्स्ट क्या करेंगे, तोड़ देंगे, उसको डेमोलिश कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? यस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन लेबोरेटरी। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। जो TB के अंदर दिया जाता है वहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ना एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो इफेक्टिव है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो TB के नाम से जाना माना जाता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यह सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ देखिए, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। मतलब ये बैक्टीरियोसाइडल है, डायरेक्टली क्या करेंगे, किल कर देंगे बैक्टीरिया को। अमीनो ग्लाइकोसाइड पास थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को पास करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं सिंपल आपको एक मेथड बता देता हूँ गाइस। ये जो है ना हमारा, आपको पता है राइबोसोम इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए। ठीक, आपको पता है वो, ये है हमारा बैक्टीरियल राइबोसोम जो कि 30S और 50S सब यूनिट से बना रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा mRNA। ये क्या है हमारा mRNA, इन्हीं से जो है ना प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। mRNA से ही, मतलब मैसेंजर RNA से वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला है 30S और ये 50S। 30S पर यहाँ जो आपको रिसेप्टर दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ क्या होगा, यहाँ लोचा हो जाएगा। जब आप एंटीबायोटिक देंगे, अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देंगे, फॉर एग्जाम्पल एमिकासिन, वो क्या करेगा, 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम पर जाके जुड़ जाएगी। जब वो जुड़ेगा तो क्या होगा गाइस, इसकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। मतलब स्ट्रक्चर का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर शेप चेंज हो गया तो mRNA डिसलोकेट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है।
ठीक, mRNA डिसलोकेट हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगी। सिंपल थ्योरी देखते हैं, दे बाइंड टू द TsRRNA, ठीक, ये मतलब ये TsY हमारा पोर्शन ऑफ द 30S राइबोसोम सब यूनिट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट कैन नॉट इनिशिएट प्रॉपर अमाइनो एसिड पॉलीमराइजेशन एंड थस इम्पेयरिंग फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, ठीक, द बाइंडिंग ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड टू राइबोसोम्स ऑल्सो कॉजेस मिसरीडिंग म्यूटेशंस ऑफ द जेनेटिक कोड, ठीक, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगा, बाइंड करेगा विद अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड टू राइबोसोम्स ऑल्सो कॉजेस मिसरीडिंग म्यूटेशंस ऑफ द जेनेटिक कोड, ये क्या करेगा, मिसरीड करेगा, मिसरीड मतलब चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, डीएनए आरएनए के अंदर चेंजेस आ जाएंगे राइबोसोम के, तो वो क्या होगा, सिंथेसिस सही तरीके से नहीं कर सकेगा। तो ये होगा हमारा मैकेनिज्म फंक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। देन केमिस्ट्री ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, द अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स टर्म एज अमाइनो ग्लाइकोसाइड अमाइनो सिस्टिनोज, क्योंकि वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है अमाइनो शुगर और ये है अमाइनो साइक्लोटॉल, दे आर इनकॉर्पोरेट अमाइनो शुगर विथ 6 मेंबर्ड अमाइनो साइक्लिटॉल रिंग, कितना मेंबर, 6 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, साइक्लिक कार्बन रिंग फंक्शनलाइज्ड विद अमाइनो एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहां देखिए अमाइनो ग्रुप भी आपको दिख रहा है, NH2 ग्रुप भी आपको दिख रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH भी आपको दिख रहा है, यहां देखिए OH भी आपको दिख रहा है, OH भी आपको दिख रहा है, NH, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सिंपल है, ये दोनों जो है ना आपको सेम दिखेंगे, लगभग सेम है, ठीक, लगभग सेम आपको चेयर टाइप स्ट्रक्चर्स दिखने लगेंगे, बस आप तीन से चार बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाए। नेक्स्ट SAR ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड, देखिए नंबरिंग की अगर बात करें तो SAR भी यहाँ अमाइनो ग्लाइकोसाइड का अलग अलग रहता है, मतलब वन इज अमाइनो शुगर मोइटी, अनदर वन इज अमाइनो साइक्लिटॉल रिंग, दो रिंग्स हैं हमारे एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर, एक है अमाइनो शुगर, एक है अमाइनो साइक्लोटॉल। तो सबसे पहले देखते हैं हम अमाइनो शुगर पोर्शन, तो यहाँ नंबरिंग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सेकेंड पोजिशन पर NH2, यहाँ OH, फोर्थ पोजिशन पर हाइड्रोक्सी OH, फिफ्थ पोजिशन से यहाँ जुड़कर CH2NH2, ये चल गया हमारा नंबरिंग वाला। द अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कंटेन टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर मौजूद रहते हैं, वन इज ये हमारा होगा अमाइनो शुगर पोर्शन, एक और अमाइनो साइक्लिटॉल रिंग, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हम डिफरेंट SAR देखेंगे। सबसे पहले देखिए द बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स टारगेट C6 एंड C2 पोजिशन, ओके, मतलब जो बैक्टीरिया रहता है ना, ठीक, वो बैक्टीरिया मेनली जो है ना C6 पोजिशन और C2 पोजिशन पर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गई। And the substitution with methyl group at C6 position increases the enzyme resistance. अगर हम C6 position पर substitute कर देंगे, वहाँ क्या होगा? Enzyme resistant हो जाएगा. मतलब bacteria के खिलाफ लड़ने की ताकत इस antibiotic की बढ़ जाएगी. कब? If we substitute on C6 position. ठीक? Then cleavage of C3 hydroxy और 4 hydroxy groups. मतलब third position पर OH group है. और फोर्थ पोजीशन पर भी आपके पास क्या है, OH ग्रुप है। अगर यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर हम इस OH ग्रुप को हटा दें या क्लीवेज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्टिविटी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं अमाइनो साइक्लिटॉल रिंग, द असाइलेशन, ठीक, दैट इज एग्जांपल एमिकासिन एंड इथाइलेशन, दो डज नॉट इंक्रीज द एक्टिविटी, हेल्प टू रिटेन द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। यहाँ भी जो है ना, अगर आप असाइलेशन कराएंगे तो वो भी खास तौर पर एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करेगी, मगर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को रिटेन कर देगी, लॉस्ट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को वो रिटेन करेगी। देन इंपॉर्टेंट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, मेनली दो तरीके क्लासिफिकेशन है गाइस, वन इज सिस्टमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड, देन टॉपिकल अमाइनो ग्लाइकोसाइड। सिस्टमिक मतलब जो कि IV रूट के अंदर दिया जाता है, ओके, इन्फ्यूजन में दिया जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, हम आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे इनके, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड अमिकासिन, ये है गाइज हमारे सिस्टमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इन्हें हम ओरल रूट से नहीं देते, अदर देन ओरल रूट, ठीक, लाइक ओक्यूलर रूट हो गया या हमारा इंट्रावेनस रूट हो गया, ठीक।
टॉपिकल अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो कि स्किन पर अप्लाई किया जाता है, टॉपिकली अप्लाई करते हैं नियोमाइसिन एंड प्राइमसिटिन। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 6 मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। देन यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 6 मेंबर वाले दो रिंग्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा गाइस, मतलब NHC, ये कुछ भी नहीं, यहाँ सी है, CH NH2, ठीक। यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर OH है, फिफ्थ पोजिशन पर OH है, ठीक। सेकेंड पोजिशन से ये हमारा एक अमाइन ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक। नेक्स्ट एक शुगर मॉइटी है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस कर देंगे तो आ जाएगा। यूजर्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन गाइस, इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस ऑलवेज विद अदर एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस एजेंट। इसे टीबी को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स लास्ट में बताऊंगा, सभी के सेम साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है दैट इज जेंटामाइसिन। यहां भी देखिए जेंटामाइसिन, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग इस तरीके से दे रहे हैं। यहाँ भी आपको OH दिखेगा फिफ्थ पोजिशन पर, यहाँ CH3 दिखेगा, ठीक। तो प्रैक्टिस कर लेना है आपको, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये भी 3 वाला 6 स्ट्रक्चर है। यूजर्स की बात करें तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट द सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट प्रोडक्ट एमिकासिन। एमिकासिन 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ द एमिकासिन विद देयर यूजर्स। एमिकासिन का स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन रिंग जैसे आपको दिख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग तो नहीं है, ये हेक्सा रिंग है, मतलब 6 मेंबर वाले, ठीक। देखिए यहाँ पर CH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी CH2, ये देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों लगभग सेम है, बस यहाँ NH2 है, यहाँ पर OH है, बाकी का सारा कुछ सेम है, ठीक। यूजर्स एमिकासिन इंजेक्शन यूज टू ट्रीट द सर्टन सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक। सभी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, एक बात आपको याद रखनी है। देन अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एजिटेशन, ब्लडी यूरिन, ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये हमारे हो गए एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यूरिन के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होना, किडनीज का टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होना किडनीज पर, ये सभी जो है ना, ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स है। मैंने मेजर एडवर्स इफेक्ट्स बता दिया है, ऐसा तो कॉमन नोजिया वॉमिटिंग वो डायरिया वो तो कॉमन से साइड इफेक्ट्स है। नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए आप, जो कि टॉपिकली इस्तेमाल किया जाता है, ये है हमारा नियोमाइसिन का स्ट्रक्चर। नियोमाइसिन कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस एंड डर्माटोलॉजिकल इन्फेक्शंस एंड इट इज यूज्ड इन अब्डोमिनल सर्जरी टू रिड्यूस इन्फेक्शंस फ्रॉम बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द बोवेल, ठीक। देन नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, हमारा टेट्रासाइक्लिन नेक्स्ट टॉपिक है। टेट्रासाइक्लिन ये भी एक टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस, ठीक। आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, मतलब 4 बेंजीन रिंग, 4 फ्यूज रिंग। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इन टेट्रासाइक्लिन देर आर 5 कायरल सेंटर्स, ईच ऑफ दी सेंटर्स हैज ए यस कॉन्फिगरेशन। कायरल मतलब यहां अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट जो है ना अलग अलग रहेगा, टोटली जो है ना यस, यहाँ यस कॉन्फिगरेशन से वे और काइरल सेंटर्स बने हुए हैं एंड दे आर फ्यूज्ड बाय द 4 रिंग्स, मतलब दिख रहा है आपको ABCD चारों रिंग्स है। एंड इट इज येल्लो क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। देन यूजेस की बात करें तो इट इज यूज इन इन्फेक्शन बाय सर्टन इंट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन सच एज कैमडिया, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया। इट इज यूज टू ट्रीट द डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज अ टेट्रासाइक्लिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट कॉज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट वॉज फर्स्ट फाउंड नियर फाइजर लेबोरेटरीज के द्वारा फर्स्ट फाउंड की गई है। ये भी सेम जो ना 4 फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो है ना लगभग सेम है, बस आपको ये वाला OH और CH3OH उस पर जो है ना बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ देखिए यहाँ तो स्ट्रक्चर तो लगभग सेम दिख रहे हैं, OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ भी देखिए OH डबल बॉन्ड O, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, NH2, यहाँ भी NH2 है, बस चेंजेस कहाँ है मैं वो आपको बता देता हूँ। चेंजेस कहाँ है, CH3OH OH CH3CH3
यहाँ बस चेंजेस दीजिए गाइस, यहाँ आपको क्या दिख रहा है OH CH3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए CH3 OH है, बस आपको करना क्या है रिवर्स कर देना है CH3 OH, अगर OH इधर आ गया तो उसको हम कहेंगे टेट्रासाइक्लिन, अगर CH3 इधर रहा OH इधर आएगा तो उसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ OH वाला है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के अंदर, उसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन में OH नहीं है, OH नहीं है, ठीक। बस ये जो ना आपको थोड़े थोड़े डिफरेंस करके पढ़ना पड़ेगा। यूजेस ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इज यूज टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक स्किन ईयर आई इन्फेक्शन एंड इट इज अल्टरनेटिव ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस एंड गैंग्रीन एंड टिटैनिस, ठीक। गैंग्रीन को ट्रीट करने के लिए, गैंग्रीन मतलब और मतलब बाहर के जो ऑर्गन्स रहते हैं ना, मतलब टिश्यूज सेल्स, वो गल सड़ जाते हैं, जब गल जाएंगे सड़ जाएंगे उनका कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पूरा ख़राब हो जाएगा, तब जो है ना गैंग्रीन के अंदर इसको दिया जाता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन थ्रू IV रूट, ठीक। ये है हमारा क्लोर टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस करना होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस कर देंगे तो आसान से जो है ना आपका हो जाएगा। तो ये होगा हमारा, देन एक और स्ट्रक्चर है, ये है जी मिनोसाइक्लिन, ठीक। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज अ डॉक्सीसाइक्लिन, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, घुमा फिरा के वही आ रहा है यहाँ, मतलब अगर आपका एक यूजर्स आपको पता चल गया तो सारे यूजर्स तो सेम रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन आई ईयर इन्फेक्शन, ये आपको आसान से जो है ना वही आपको लिखना है। देन इट इज ऑल्सो यूज इन अमीबायोसिस, अमीबायोसिस ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है, मतलब अमीबायोटिक डिसेंट्री हम जिसे कहते हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड डॉक्सीसाइक्लिन, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल कर दूंगा, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से हम जो है ना यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक, टोटली यूनिट 1 जो है ना हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज यूनिट 2 हम नेक्स्ट यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 2 का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।